अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आप कैसे हैं? यकीनन आप ठीक होंगे। अभी हम आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है कलर द फिश, पेज नंबर 11 पर और 10 पर है। और इसी के साथ नेक्स्ट एक्टिविटी भी है आपकी ड्रॉ अ फिश। ये आपने स्केच पैड पर यानी आर्ट पैड पर करनी है। बाकी एक्टिविटी आपने सारी जो चार एक्टिविटीज़ हैं वो बुक के ऊपर करनी है। फिश पर आपने बेटा कलर्स करने हैं। इसके लिए आपको कलर चाहिए या पोस्टर कलर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसको कर सकते हैं। ये इस तरह पेंसिल कलर करना है और वो स्मूथ एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप शुरू करेंगे और बाहर नहीं निकालने, आराम आराम से कलर किया करना है, इंजॉय करके कलर करना है। और इस तरीके से ये फिश के कलर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आईज़ में भी आप कलर कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर है, या आप जो भी आपको अच्छा कलर लगता है तो बेटा आप कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि कलर बाहर ना निकले ताकि आपकी ड्राइंग प्यारी लगे, अच्छी लगे। बहुत सारे बच्चों ने ये एक्टिविटी कर भी ली है तो बहुत अच्छी बात है। क्लास में भी करवाई थी, ये रिवीजन हो रही है। और इसी तरीके से आप पोस्टर पेंट के साथ भी इस तरीके से इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। यूं कलर करके अच्छे तरीके से, लेकिन पेंट को आपने इधर उधर कपड़ों पे नहीं लगाना, अपने कपड़ों को हाथों को बचाना है। बेटा आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और आप इसको ओरिजिनल को देखेंगे और इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। और इसको मैं आपको, अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि हमने इसमें कलर्स करने थे बेटा, कलर तो आपको करने आते हैं, आपने और बड़े अच्छे तरीके से पहले भी कलर्स करते रहे आप 1 क्लास में भी, तो बेटा इसको आप कर सकते हैं इजी फॉलो। अभी हम ड्रॉ करेंगे फिश। नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है समर का, बहुत इजी है। ये आप बुक को सामने रखेंगे, यू वेव्स बनाएंगे और ये हमारा सी का सीन बनेगा। इस तरीके से उल्टा सी बनाएंगे और ये देखें, इस तरीके से हम लाइन लगाएंगे, जैसे आप रेनबो बनाते हैं। और नीचे ऐसे आप बेशकल इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगे तो ये बेशकल बना लें। और ये पीछे इसकी टेल, बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। यूं बेटा ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये इसके डिज़ाइनिंग फिश के ऊपर, इसके गिल्स, ये सारा, और इसकी बड़ी सी आई, और इसमें आई बॉल इसका बना दें यूं, और ये इसका मुंह बना दें। बबल्स इसके, क्योंकि ये पानी में रहती है तो बबल्स निकलेंगे। यहाँ पर अंडर वाटर मुख्तलिफ किस्म के ग्रीनरी होती है तो ये ग्रीनरी शो करने के लिए। और फिर आप